एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉटनी के क्वेश्चंस के बारे में जो कि 2017 के पेपर में पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बॉटनी सब्जेक्ट से पूछे गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र संबंधित होते हैं। ऑप्शन है श्वसन से, प्रजनन से, अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से, पाचन से। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से, ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर, अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रैब चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे बिकर, जिन्हें हम एंजाइम भी बोलते हैं, किस स्थान पर रहते हैं। क्रैब चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे बिकर किस स्थान पर रहते हैं। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया द्रव, जीव द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया द्रव, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पाइनस का भ्रूण होता है। ऑप्शन है हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, मल्टीप्लॉयड। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा हैप्लॉयड, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटेकर के वर्गीकरण में जीवाणु को कौन सा स्थान दिया गया है। ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनेरो, पादप, कवक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मोनेरा, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा मोनेरा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रोटी के लिए उपयोग किया जाने वाला गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। ऑप्शन है ट्रीटिकम एस्टिवम, ट्रीटिकेल, ट्रीटिकम की सभी जातियां, सैकेल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ट्रीटिकम एस्टिवम, पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन है कमल, बॉल बॉल्फिया, नागफनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया था कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज दी, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है। द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन दी वर्ल्ड इज, तो यहाँ पर लोटस, बॉल्फिया और नागफनी ऑप्शन में थे, ठीक है, जो कि सबसे छोटे पुष्प की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाता है वह हो जाता है चौथा ऑप्शन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, अदरक होता है एक, द जिंजर इज ए पुष्प, कलिया, रूपांतरित जड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का अभी सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अदरक क्या होता है, पुष्प होता है या फिर कलिया होता है या फिर रूपांतरित जड़ होता है, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, C4 चक्र को यह भी कहा जाता है, EMP चक्र, TC चक्र, TCA चक्र, हैच एवं स्लैग पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हैच एवं स्लैग पाथवे, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, हैच एवं स्लैग पाथवे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पीला हरा वर्णक किसमें पाया जाता है। जैंथोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर देख लेते हैं हम, जैंथोफाइटा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा जैंथोफाइटा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्वप्रथम संश्लेषित
कार्बनिक रसायन है, सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन है, ग्लूकोज, मीथेन, बेंजीन, यूरिया। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा यूरिया, चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पादपों का कौन सा भाग SO2 प्रदूषक से प्रभावित होता है? पादपों का कौन सा भाग सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक से प्रभावित होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जाइलम, लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, चेर्नोबिल घटना किस वर्ष हुई थी? चेर्नोबिल, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि चेर्नोबिल जो घटना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1966, 1986, 1947, 1945। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 26 अप्रैल 1986, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल घटना हुई थी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैवालों का एक समूह है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें दो तीन चार नाम आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा समूह शैवालों से संबंधित है, ठीक है, शैवालों का समूह है। पहला ऑप्शन है चारा फोकस और पॉलिस्फोनिया, दूसरा ऑप्शन है बॉलबॉक्स, एस्पाइरोगेरा और क्लेमाइडिमोनस, तीसरा है पोरीफायरा ऑक्टोपेरस यूलोथ्रिक्स, चौथा है सर्गोसम लेमोनेरिया और ग्रेसेलेरिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वॉलवॉक्स, एस्पाइरोगेरा और क्लेमाइडी मोनस, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक चिर परिचित सूक्ष्म जीवीय कीटनाशी है, ऑप्शन है कैंडिडा, ईस्ट, बैसिलस, यूरीजेनेसिस, स्टेफाक फालियो कोक्स ऑरियस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा बैसिलिस यूरीजेनेसिस, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? ऑप्शन है CO2 का प्रदूषण, SO2 और NO2 का प्रदूषण, धूल के कण, वाहन से निकलने वाला प्रदूषण। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 और NO2, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? कोकस, निटम, साइकस, पाइनस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा साइकस, ठीक है, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राइबुलोज वाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? ऑप्शन है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम के मध्य, CO2 तथा राइबुलोज 1,5-Y फॉस्फेट के मध्य, राइबुलोज बाई फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के मध्य, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मध्य, PGA तथा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के मध्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा दूसरा ऑप्शन CO2 तथा राइबुलोज 1,5-Y फॉस्फेट के मध्य, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पंखदार बीज निम्न में से किस में पाए जाते हैं? विंग्ड सीड इज फाउंड इन साइकस, पाइनस, पेपेवर जातियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पाइनस, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा पाइनस। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुवांशिक पुनर्गठन होता है,
अनुवांशिक पुनर्गठन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा, म्यूसिस एंड फर्टिलाइजेशन। पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वह कौन सी गैस है जिसे हरित प्रभाव गैस कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ गैसेस के नाम ग्रुप में दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सी गैसेस हैं जिन्हें हम हरित प्रभाव गैस कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर बहुत सारी गैसेस मिलेंगी। पहले ऑप्शन में CO2, O2, NO2, NH3, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में CO2, NH3, N2। तीसरे ऑप्शन में CH4, N2, CO2, NH3। और चौथे ऑप्शन में क्लोरो फ्लोरोकार्बन CO2, CH4, NO2। तो जो चौथा ऑप्शन है हमारा, यह सही उत्तर होगा, क्लोरो फ्लोरोकार्बन CO2, CH4 और NO2। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। थैलेकोइड, फ्रेट श्रृंखला, स्ट्रोमा, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा थैलेकोइड। थैलेकोइड, ठीक है, जो पहला ऑप्शन है हमारा, ऐसा ही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रजत तंतु क्रांति किससे संबंधित है। बाढ़ नियंत्रण, मछली उत्पादन, कपास उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कॉटन प्रोडक्शन, कपास उत्पादन। रजत क्रांति किससे संबंधित है, कपास उत्पादन से। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। आइडेंटिफाई केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, थायमिन, टोकोफेरॉल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राइबोफ्लाविन है एक ऑप्शन है, विटामिन, पादप प्रतिजैविक, रंगात्मक पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विटामिन। ठीक है, राइबोफ्लाविन क्या है, एक विटामिन है। पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगार अगार निम्न में से किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है जाइगैटिना से, जेलिडियम से, ग्रीसिलेरिया से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जेलिडियम से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा जेलिडियम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिमी घाट पर मुख्यतः कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है उप उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, सदाबहार वन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सदाबहार वन। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। भारत के पश्चिमी घाट पर मुख्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हैग्जोस शर्करा के एक अणु को बनाने के लिए कितनी संख्या में कैल्विन चक्र लगेंगे। 2, 6, 4, 8। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 6, 6। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। निम्न में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जी कॉय। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लाइसोसोम। पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पादप कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है झाइलम, पेरेनकाइमा में, फ्लोएम, पेरेनकाइमा में, छलनी नलिका में, सहचर कोशिका में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा छलनी नलिका में। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, ऐसा ही उत्तर होगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो हैं वह आपको आसानी से मिल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनिनेटो निम्न में से किसका संचित भोजन है? ग्रीसेलेरिया, पोरीफायरा, फ्यूकस, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फ्यूकस, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बॉटनी सब्जेक्ट के पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, जो कि 2017 की परीक्षा में पूछे गए थे, GNT PNST। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियो रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।